मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। यूसीसी ये शब्द बेहद चर्चा में है और आज का दिन यूसीसी लागू होने के लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश कर दिया है। समान नागरिक संहिता 2024 सदन में पेश किए जाने के बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा है कि लंच के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। इसी बीच उत्तराखंड विधानसभा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को यूसीसी इससे संबंधित ड्राफ्ट बीते दिनों यूसीसी कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। आइए हम आपको उन सवालों के जवाब बताते हैं कि राज्य में यूसीसी लागू होने से क्या बदलेगा और क्या नहीं, और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। बदलाव कुछ इस तरीके से होंगे। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना बेहद जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। अनुसूचित जनजाति दायर से बाहर होगी। बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। ये थे वो सारे पॉइंट जो यूसीसी लागू होने पर बदलाव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो राज्य में क्या होगा। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या होगा, पहला सवाल यही आता है। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानूनी हिंदुओं के लिए हैं वही दूसरे धर्म के लिए भी होंगे। बिना तलाक एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। ये तो हुई जो लागू होगी उसके बारे में, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद कई चीज़ें ऐसे भी हैं जो नहीं बदलेंगी। चलिए जानते हैं यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं होगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें यूसीसी की तो साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता के लिए दिए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने की विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकारी के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। इन सब के लिए एक ही समान लागू होगा। ये थी यूसीसी से जुड़ी सारे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, जो क्या बदलाव होंगे, क्या नहीं होंगे और क्या रहेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हमने आपको बताया और इस पॉइंट्स पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक और जानकारी पहुंचा सकें।